हेलो फ्रेंड्स, मैं कृष्णा कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं क्रिएटर अमित क्लासेज न्यू मंत्रा फॉर सक्सेस में। हम लोग अभी डायरेक्शन चैप्टर में चल रहे हैं और हमने पिछले कुछ क्लासेज में जो है इसके टाइप्स और कुछ सवाल भी हल किए हैं। और जैसा कि मैंने बताया था कि इस बार जो है हम लोग प्रीवियस ईयर्स के एग्जाम के क्वेश्चन जो है डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, पहला सवाल आपके स्क्रीन पर यह रहा। सीता एक बिंदु से चलना आरंभ करती है तथा उत्तर की ओर 2 किलोमीटर जाती है और अपने बाएं मुड़कर पुनः 2 किलोमीटर जाती है और लास्ट में वह अपने दाएं मुड़ती है और चलती है, तो बताइए अब उसका मुंह किस दिशा में है। सीता एक बिंदु से चलना आरंभ करती है तथा उत्तर की ओर 2 किलोमीटर चलती है और अपने बाएं मुड़कर 2 किलोमीटर जाती है, पुनः अपने दाएं मुड़ती है और चलती है, तो बताइए उसका मुंह जो है किस दिशा में, ठीक है। क्वेश्चन समझ लिया दोस्तों? चलिए तो हम लोग क्या करेंगे कि जैसा क्वेश्चन ने कहा है वैसा पहले हम लोग ड्रॉ कर लेंगे फिगर और हमारा आंसर निकल जाएगा। तो मान लेते हैं ये पॉइंट ये है और सीता यहाँ पर है, वह उत्तर की ओर चलती है, तो हमारा जो है डायरेक्शन जो होता है ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, इधर ईस्ट और इधर वेस्ट, क्लियर है। यहाँ 2 किलोमीटर जाती है, ठीक। तो इसका लेफ्ट किधर हो जाएगा फ्रेंड्स? इसका लेफ्ट इधर और राइट इधर हो जाएगा। क्वेश्चन फिर क्या कहता है कि उसके बाद वह दाहिने मुड़ती है यानी राइट मुड़ती है और 2 किलोमीटर जाती है इधर, ठीक है। तो इसका लेफ्ट किधर हो जाएगा? इसका लेफ्ट ऊपर, राइट नीचे, ठीक है। अब क्या है कि लास्ट में वह पुनः दाएं मुड़ती है और चलती है, तो अब वह इधर मुड़ती है और चलती है, तो उसका फेस किस डायरेक्शन में हो जाएगा? उसका फेस नीचे डायरेक्शन में हो जाएगा, है ना। इस डायरेक्शन में उसका फेस हो जाएगा। ये कौन सा डायरेक्शन हो जाएगा? ये हमारा साउथ डायरेक्शन हो जाएगा, क्लियर है। ठीक है, आइए दोस्तों इसको देख लिया हमने, समझ लिया, तो आइए एक और इससे मिलता जुलता कर लेते हैं ताकि जो हमारा सारा डाउट क्लियर हो जाए। ये प्रीवियस ईयर्स के एग्जाम में ही आया हुआ है 2010 में, आपके स्क्रीन पर ये रहा। राजू उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा है, वह 30 मीटर आगे चलता है और बाएं मुड़ता है तथा 15 मीटर चलता है। अब वह अपने दाएं मुड़ता है और 50 मीटर चलता है और अंत में वह अपने दाएं मुड़ता है और चलता है, अब उसका मुंह किस दिशा में है? राजू उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा है, ठीक है। वह 30 मीटर आगे चलता है और बाएं मुड़ता है तथा 15 मीटर चलता है। अब वह अपने दाएं मुड़ता है और 50 मीटर चलता है एवं अंत में वह अपने दाएं मुड़ता है और चलता है, तो बताइए उसका मुंह किस दिशा में है, ठीक है। तो आइए हम फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। ये मान लेते हैं राजू यहाँ पर है। क्वेश्चन क्या कहता है? उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा, यानी नॉर्थ डायरेक्शन में ऊपर की ओर, वह जो है 30 मीटर आगे चलता है, ठीक। तो इसका लेफ्ट इधर हो जाएगा और राइट इधर हो जाएगा। फिर क्या बोलता है कि वह बाएं मुड़ता है और 15 मीटर चलता है ना। तो इसका लेफ्ट इधर हो जाएगा और राइट इधर हो जाएगा। फिर वह अपने दाएं मुड़ता है और 50 मीटर चलता है, तो दाएं ऊपर की तरफ, ठीक। तो इसका लेफ्ट इधर और राइट इधर, ठीक है। अब वह अंत में अपने दाएं मुड़ता है और चलता है, तो वह इधर मुड़ता है और चलता है,
तो यह किस डायरेक्शन में हो गया, तो यह हो गया हमारा ईस्ट डायरेक्शन में, है ना। यहां से भी देखकर आप समझ सकते हैं ये ईस्ट जाएगा, अगर इधर की ओर जाता तो ये उसका वेस्ट हो जाता, यहां से है ये नॉर्थ की ओर गया है, क्लियर है। एक बार देखकर और आप अपना डॉट क्लियर कर लें। ठीक है, चलिए इसके बाद जो हम लोग अभी नेक्स्ट क्वेश्चन और करते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। मोहन पश्चिम की ओर 5 किलोमीटर यात्रा करता है और बाएं मुड़कर 3 किलोमीटर की यात्रा करता है, फिर वह दाएं मुड़कर 9 किलोमीटर की यात्रा करता है, तब वह उत्तर की ओर 3 किलोमीटर की यात्रा करता है। अब वह आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है? ठीक है, मोहन पश्चिम की ओर 5 किलोमीटर यात्रा करता है और बाएं मुड़कर 3 किलोमीटर की यात्रा करता है, और फिर दाएं मुड़कर 9 किलोमीटर की यात्रा करता है, तब वह उत्तर की ओर 3 किलोमीटर की यात्रा करता है, तो बताइए अब वह आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर स्थित है। ठीक है, तो चलिए हम एक पॉइंट ले लेंगे। मोहन चूंकि पश्चिम की तरफ जाता है तो हम थोड़ा सा ईस्ट हो जाएंगे यहां पर, है ना, इसको मान लिया ए। ठीक, वह जो है पश्चिम की ओर 5 किलोमीटर जाता है, ठीक, फिर वह बाएं मुड़ता है, तो इसका लेफ्ट इधर है और राइट इधर है, ठीक, बाएं इधर मुड़ता है और 3 किलोमीटर जाता है। ठीक है, तो इसका राइट इधर रहेगा और लेफ्ट इधर रहेगा। ठीक है, अब वह जो है फिर क्या करता है, फिर जो है दाएं मुड़कर 9 किलोमीटर यानी इधर जाता है और 9 किलोमीटर जाता है। ठीक है, 9 किलोमीटर, ठीक है, तो इसका लेफ्ट नीचे राइट ऊपर। ठीक है, अब वह जो है उत्तर की ओर 3 किलोमीटर यात्रा करता है, यानी ये 5 किलोमीटर है हमारा, ठीक है ना, इसको हम बी पॉइंट मान लेते हैं, यह उत्तर की ओर फिर 3 किलोमीटर जाता है, यह 3 किलोमीटर है, तो बताइए यह पॉइंट हो गया सी, तो बताइए कि वह यहां से यहां की दूरी हमें पता करनी थी, ये यहां से यहां की दूरी कितनी हो जाएगी, यहां से यहां के बराबर हो जाएगी यानी 9 किलोमीटर। ठीक, तो एसी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी प्लस बी सी, ए बी कितना है 5 प्लस 9 इक्वल टू 14 किलोमीटर। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आए, कोई भी क्वेश्चन समझने में किसी भी प्रकार की दिक्कत हो जाए, या आपके अंदर कोई आइडिया आए, आप इसको शॉर्टकट कुछ आपके पास मेथड हो, तो आप हमें जो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। हम लोग जो है 24x7 आवर्स अवेलेबल हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। मेरा मित्र पूर्व की तरफ चलना आरंभ करता है, 10 मीटर चलने के बाद वह बाएं मुड़ता है और 5 मीटर चलता है, पुनः बाईं ओर मुड़ के 10 मीटर चलता है, तब वह प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर है ज्ञात करें। मेरा मित्र पूर्व की तरफ चलता है, 10 मीटर चलने के बाद वह बाएं मुड़ता है और 5 मीटर चलता है, पुनः बाईं ओर मुड़ के 10 मीटर चलता है, तब वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर पर है ज्ञात करें। ठीक है दोस्तों,
आइए मान लेते हैं कि ये पॉइंट ए है जहां से कि उसने चलना शुरू किया। पूरब की तरफ चलता है, इधर कितना चलता है 10 मीटर, तो इसका लेफ्ट किधर हो जाएगा, इधर, और राइट इधर। अब क्या है, वह बाएं मुड़ता है और 5 मीटर चलता है, तो लेफ्ट ऊपर मुड़ता है और 5 मीटर चलता है, ठीक है। इसका लेफ्ट इधर हो जाएगा, राइट इधर हो जाएगा। अब क्या है कि पुनः बाई ओर मुड़ता है और 10 मीटर चलता है, ये 10 मीटर चलता है और ये बी पॉइंट पे पहुंचता है। तो वह प्रारंभिक बिंदु से कितना दूरी है, यानी ए टू बी, ये हमें फाइंड करना है। ये कितना हो जाएगा, ये इसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, यानी 5 मीटर। कितनी दूरी पर है, 5 मीटर, है ना, ये पिक्चर से क्लियर हो रहा है। ठीक है, आइए अब हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं कि वह क्या करता है। नेक्स्ट जो है आपके स्क्रीन पर ये रहा, रमा एक बिंदु से उत्तर की ओर मुंह करके खड़ी हुई है, वह 10 मीटर सीधी चलती है और बाएं मुड़कर 10 किलोमीटर सीधा चलती है और बाएं मुड़कर 15 किलोमीटर सीधा चलती है और अंत में मुड़कर बाएं मुड़कर 10 किलोमीटर चलती है। अब वह आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, रमा एक बिंदु पर उत्तर की ओर मुंह करके खड़ी हुई है, वह 10 किलोमीटर सीधे चलती है और बाएं मुड़कर 15 किलोमीटर सीधा चलती है और अंत में बाएं मुड़कर 10 किलोमीटर चलती है। अब वह आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, ठीक है। चलिए हम ले लेते हैं पॉइंट, मान लेते हैं कि रमा यहां पर खड़ी है, यहां से क्या करती है, उत्तर की ओर 10 किलोमीटर जाती है, ये कितना हो गया 10 किलोमीटर। इसका लेफ्ट इस साइड होगा, राइट इस साइड होगा। अब वह बाएं मुड़कर 15 किलोमीटर जाती है, यानी इधर मुड़ती है और 15 किलोमीटर जाती है, ठीक है। इसका लेफ्ट किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा, राइट इधर हो जाएगा। फिर क्या बोलता है क्वेश्चन कि फिर अंत में बाएं मुड़कर 10 किलोमीटर चलती है, बाएं मुड़ती है और 10 किलोमीटर चलती है, ये है ना। हमें क्या डिस्टेंस पता करना है, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, ये डिस्टेंस हमें पता करना है। तो पिक्चर से क्लियर हो गया दोस्तों, वह कितना किलोमीटर जाएगी, वह 15 किलोमीटर जाएगी। ये भी इक्वल टू 15 किलोमीटर, है ना, क्लियर है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर ये रहा, एक व्यक्ति पश्चिम की ओर चलना प्रारंभ करता है, ठीक है, वह दाएं मुड़ता है और वह पुनः दाएं मुड़ता है एवं अंत में बाएं मुड़ता है, अब वह किस दिशा में जा रहा होगा, ठीक है। एक व्यक्ति पश्चिम की ओर चलना प्रारंभ करता है, वह दाएं मुड़ता है और पुनः वह दाएं मुड़ता है और अंत में बाएं मुड़ता है, तो अब वह किस दिशा में जा रहा होगा, ठीक है। तो आइए, वह व्यक्ति पहले पश्चिम की ओर चलना प्रारंभ करता है, ये हम पॉइंट मान लेते हैं ए, ठीक। तो वो पहले किस डायरेक्शन में आएगा, इस डायरेक्शन में, वेस्ट डायरेक्शन में आएगा।
अब क्या करता है, तो इसका लेफ्ट नीचे राइट ऊपर, अब वह अपने दाएं मुड़ता है, है ना, तो यह इधर मुड़ जाएगा, इसका लेफ्ट इधर हो जाएगा, राइट इधर हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करता है, वह पुनः जो है दाएं मुड़ जाता है, तो वह इधर मुड़ जाएगा, तो इसका लेफ्ट क्या हो जाएगा, ऊपर और राइट नीचे, तो वह किस दिशा में फिर मुड़ता है, लास्ट में, लास्ट में वह जो है बाएं मुड़ जाता है यानी ऊपर, तो वह किस दिशा में जा रहा है, तो ये ऊपर क्या होता है हमारा, नॉर्थ होता है ना, तो यह किस डायरेक्शन में जा रहा है, वह उत्तर दिशा यानी नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है। क्लियर है दोस्तों, ठीक है। चलिए तो आज का वीडियो जो है यहीं पर समाप्त होता है, कोई दिक्कत हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, या कोई आपको आइडिया आए तो हमें करें, वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, तब तक के लिए अलविदा।